आपका क्या नाम है भैया? विजय दास। विजय दास जी, तो आपका गांव कौन सा है? सातपुर जौली। अच्छा, तो इस बार तो चुनाव है, आप चुनाव में क्या देखकर बात कर रहे हैं? मतलब जात पात पे इस बार वोट होगा, विकास पे वोट होगा, या अच्छे कैंडिडेट को चुनकर आप भेजेंगे विधानसभा? विकास पर वोट होगा। पहले सड़क थी कि नहीं थी? पहले थी। नीतीश से पहले सड़क थी यहाँ? हाँ, पहले सड़क थी। अब क्या विकास हुआ इस बार यहाँ? विकास बहुत हुआ है, बहुत कुछ विकास हुआ। हाँ, जो बीजेपी के विधायक हैं अवधेश आनंद जी, वो क्या कर पाए? अभी तक तो अच्छे चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ, आप इतना डरे डरे से क्यों हैं? कहाँ डर रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं आप। चलिए बाबा से बात करेंगे भैया, आप बताइए जी क्या हाल चाल है? हाल चाल ठीक ही है यहाँ के, हाल चाल तो बहुत दिन से जो चल रहा है तो वही चल रहा है तो चलेगा। अवधेश आनंद चल रहे हैं यहाँ पर तो फिलहाल, पहले नित्यानंद राय थे। नित्यानंद राय थे ना, उन्हीं का रखा हुआ तो वो भी है। तो अभी तो जो चल रहा है से चल ही रहा है, कोनो खास इधर उधर तो नहीं हुआ है। हाँ, कौन सी जाति रहती है आपके गांव में? बहुत सा जाति है, जादव के अथी है, हर एक किस्म जात है। आप मतलब, कौन सी जाति से? हम तो ततमा है। अच्छा, तो आप किसको चुनेंगे इस बार? चुनेंगे हम तो बीजेपी है या बीजेपी में रहेंगे। अच्छा, हाँ, और आरजेड दूसरा के लिए नहीं हम बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हम अपना व्यक्तिगत कहते हैं कि हाँ, जो वो अच्छा काम करता है वही के हम। हाँ, और आरजेडी कैसा काम किया लालू, और अब तो लालू के लड़के भी मैदान में है, तेजस्वी मुख्यमंत्री। यहाँ पर से तो सब दिन से तो बीजेपी है। बीजेपी, हाँ, तो इस बार भी बीजेपी को रख रहे हो? हम अपना व्यक्तिगत कह रहे हैं कि हम बीजेपी। बाबा क्या सोचते हैं? हम कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे, आप बताइए जी। हम क्या बात, क्या नाम है आपका? ब्रह्मदेव राय। ब्रह्मजी, क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, गाँव का विकास इन 5 साल में कैसा रहा? ठीक है, मिला जुला कर ठीक है। अभी कुछ रोजगार, स्कूल, कॉलेज, इसका आसपास का कुछ व्यवस्था हुई? कोरोना लगा है ना 2018 मार्च में 18 से 22 से, उस समय से स्थिति खराब है। हम लोगों को खाने पीने का या कमाने का, रोजी रोटी बहुत दिक्कत चल रहा है। नीतीश का काम कैसा रहा 15 साल? बस सब, कोई भी पार्टी होगा ना, गरीब के नाम पर सब वही सब जिएगा, हम लोगों को देखने वाला कोई नहीं। गरीब के नाम पे सिर्फ राजनीति होती है, वोट लेकर गायब। हाँ तो वही है उसे तो, हाँ इतना ये बात नहीं है कि जो भाई वो जो बड़ा है से तो बड़े रहेगा, छोटा है से छोटे रहेगा। छोटा के वो सबसे अब हारता है तो थोड़ा सा नहीं कहीं मिल जाता है, जैसे हम कि फ्री राशन तो मिला है, यही से तो है, इस समय कमती नहीं है, राशन उशन सब मिलवे किया। आप बताइए जी आपका क्या नाम है? बताइए ना। गंगादास। गंगादास जी, यहाँ पे कुछ विकास की लहर आई कि नहीं आई? हाँ, विकास तो है। सड़क के अलावा, इस सड़क को अगर बात करूँ तो इसके अलावा भी कुछ है यहाँ? गरीब से सड़क के कथी मिलत? तब बड़का बड़का पूंजी वाला के न ट्रक बस बोलेरो चलत है, गरीब के कथी चलत है? सड़क से जियत, काम मिलत तब न भोजन करत है। स्कूल सब बंद है, लड़का सब घरे बैठल है, सारे बच्चे लोग गड़बड़ा गया, शिक्षा के कारण ही लॉकडाउन हुआ, इसके कारण सारे बच्चे जो भी आता वो भी बोर पड़ गया। अभी तक बंद है स्कूल, इसका कोई सुनवाई नहीं है, कहिया खुलेगा नहीं खुलेगा। तो बच्चों की शिक्षा पे असर पड़ा है? असर बहुत पड़ा, बच्चे तो खेल रहे हैं। खेल रहे हैं तो क्या करेगा, वो जो याद कर रहा है वही तो खेलने में भूल गया। तो लग रहा है 6 महीने ने बड़ा नुकसान कर दिया। हाँ, नुकसान तो हो गया। आप खेल लो तो ठीक, बच्चे खेलने तो गलत है। कैसे हम खेल रहे हैं अभी तो मैं कहता हूँ, तुम तो खेल खेल ले हो, बच्चे खेल ले तो बड़ी दिक्कत। हाँ, दिक्कत नहीं होगा। कितने बच्चे हैं आप? दो लड़के हैं। एक, हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एगो 9th में पढ़ रहा है। 9th में? हाँ, एगो 7th में पढ़ रहा है। 7वीं में? हाँ। चलिए, तो इस वक्त
सड़क है जी, है जी, यहाँ पर जो भी मिला जुला के ना अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। इस बार अच्छा 10 तारीख को पता चलेगा, जनता क्या अच्छा और बुरा बताएगी। हम क्या बोले कि जो हम तो व्यक्तिगत है, हम दूसरा के मन के बात तो हम न बोल सकते हैं, हम अपना मन से बोल देते हैं। यहाँ पर किसको वोट दे रहे हैं जी इस बार? हाँ किसको वोट दे रहे हैं? हम ककरा कहूँ? आओ नहीं बताओगे का है? छुपा के दोगे? ना तो छुपा के ना देंगे तो वोट तो छुपा ही के देने का चीज है। कोई और तो डाल के नहीं आ जाएगा तुम्हारा वोट तो? डाल देगा कोई और भी? हाँ नहीं। आप किसको दे रहे हो जी? हम तो कुछ समाज है तन्य हम ढूंढेंगे, हम क्या, हम तो कुछ नहीं जानते हैं समाज जनरल। यहाँ राजद के ज्यादा है। तुम राजद, वो बीजेपी। राजद तो आज तक खाता ही ना खुल पाया यहाँ। भाई है भाई, भाई है भाई, भाई भाई अलग। ये तो बड़ा, ये राजद और ये बीजेपी अलग अलग है इस बार। भाई कह रहा बीजेपी, दूसरा भाई कह रहा राजद। जी यही होगा, भाई को दूसरी जगह भेज दिया। ठीक है, हम तो बोल तो दिए कि व्यक्तिगत है हम। हाँ ये पलट देंगे तुम्हें, कहेंगे राजद पे डाल वोट। वो अपना मतदान है ना। अब हम दूसरा के मन के बात हम कैसे बोल सकते हैं? तुम्हारे जाने से पहले ही वोट डल जाए तुम्हारा? ना ना सिर, अब तो नहीं होता है, पहले वो चलता रहा। पहले जाते तो पता चला वोट गिर गया, वोट गिर गया, जा चल जाओ घर पर। जी राजद या बीजेपी? हम ही अभी नहीं बताएंगे, छुपा के रखो। हम यादव हैं। समाज यादव, यादव। हाँ समाज जिधर वोट करेगा एक दिन पहले निर्णय होगा। अच्छा हाँ, तो तेजस्वी पे तो जा रहा है तुम्हारा वोट? ना ना ऐसा बात नहीं है। पहले किसको दिया था? पहले तो हम लोग बीजेपी को दिया रहा। इस बार पलट जाओगे? ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा बात नहीं होगा। पलट जाना नहीं होना ये समाज तय करेगा। अच्छा। आप भी जात पात पे, समाज पे? नहीं, काम करने वाला पर। काम कौन करने वाला है? लालू के 15 साल और नीतीश के 15 साल कैसे रहे? वो भी अच्छा काम। अरे खुल के बोलिए भैया, दुनिया देख रही है, मन मन में मत रखिए। आज ही आ जाए कल गाजियाबाद। आप बताइए, तुम्हारा वोट ये डाल के आएंगे क्या? जो हमारा कहे ना कि जो समाज झंडा ढूंढेगा, मतलब बूढ़ आदमी के आता है घोड़े दे, घोड़े घोड़े दे आवे वोट। चलिए तो बहुत चतुर हैं सारे, बताया नहीं कि कहाँ वोट देंगे क्या करेंगे, लेकिन आप समझ चुके होंगे सबकी अपनी राय है, अपनी सोच है। और सबसे बड़ी बात, हमारी भी अपील है कि मतदान ज़रूर करिएगा, खुल के अपनी मर्जी से, बेबाकी से। और लगातार हेडलाइंस इंडिया इसी तरीके से बातचीत करता रहेगा। इस वक्त हाजीपुर के इस गांव में मौजूद थे जहां पर हमने बात की, और लगातार जन जन की आवाज़ उठाते रहेंगे। नमस्कार।